मेरी आशा है आप सभी मुस्कुरा रहे होंगे। देखिए, आज इस वीडियो के बारे में कहने के लिए मेरे पास बहुत कम शब्द हैं, लेकिन मेरा विश्वास है इसके अंत तक जीवन में बहुत कुछ बदल चुका होगा। जिस गौशाला के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है राधा सुरभि गौशाला। जब आप गोवर्धन में राधा कुंड से कोने गांव की तरफ चलते हैं, उसी के बीच में यह गौशाला है, जिसका संचालन 42 साल पहले जर्मनी से आई सुदेवी दासी कर रही हैं। आज छोटा सा प्रयास किया है इनके विशाल व्यक्तित्व की थोड़ी सी भी झलक आपको दिखा पाऊँ जो मैंने देखी है, तो मेरा प्रयास सफल होगा। हम में से बहुत सारे लोग उन्हें हीरो या कलाकार समझते हैं जो पर्दे पर हैं, जबकि वास्तविक हीरो बड़े ही साधारण से दिखते हैं। लेकिन इनकी ऊर्जा अगर तुम महसूस कर पाते हो तो तुम्हें ज़्यादा समय नहीं लगता इन्हें जानने में। मैया को 2019 में राष्ट्रपति से पद्मश्री मिला है, जिनकी ये सच्ची हकदार हैं। मैया का गायों के प्रति इतना गहरा प्रेम है कि उसे मेरे साधारण से शब्दों में बता पाना मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन यह भी सच है कि गाय के एक सच्चे मित्र से मिल पाया, जिन्हें देखना भर एक गहरी शांति से भर गया, जो अब भी मुझे जगाए हुए है। इस गौशाला में 2500 से 3000 गायें हैं, और गौर करने वाली बात यह है कि गायों के साथ साथ यहाँ बहुत सारे व्रत, विकलांग, बीमार और भी तरह से पीड़ित बैल और घोड़े भी हैं, जिन सभी का खर्चा हर दिन का 1 लाख रुपए से अधिक है, जैसे मैया और आप जैसे लोगों की सहायता से चलाया जा रहा है। यहाँ पर आई पीड़ित गायों को मात्र देखने भर से तुम्हें एहसास हो जाएगा कि हमारा जीवन कितना सुखी है, जबकि हम हर दिन अपने ही दुखों में डूबे रहते हैं। हमारा अपना ही रोना जीवन भर खत्म नहीं होता, लेकिन ये मैया इन सभी बच्चों के दुखों में हमेशा साथ रहती है, जैसे माँ अपने बच्चे के साथ हमेशा खड़ी रहती है। मैया मुस्कुराते हुए इन सभी बच्चों की सेवा में लगी रहती है। जब भी बच्चों को कष्ट होता है, मैया के हृदय तक में पीड़ा हो उठती है। यहाँ पर आने वाली अधिकतर गायें, जिनमें से बहुत सारी वृद्ध जो अब दूध नहीं देती, बहुत सारी वह हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं दिखता, बहुत सी गाय वह हैं जो वाहन दुर्घटना में अपने शरीर के अंगों को गंवा चुकी हैं या फिर उन अंगों के साथ जीवन जी रही हैं। यह सभी बच्चे यहाँ जीवन के अंतिम क्षण तक रहते हैं। उसकी एक वजह मैया का इन सभी बच्चों के लिए बहुत गहरा जुड़ाव है। दोस्तों, यहाँ पर हर दिन आने वाले बच्चों का असहनीय दर्द का जब तक इलाज पूरा ना हो जाए, तब तक इस मैया को चैन नहीं आता। ये चिंतित मैया तभी शांत होती है जब बच्चे को शांति पहुँच जाए, इसलिए अपने कम से कम आराम को झट से त्याग कर बस दौड़ी चली आती है। इसीलिए तो हर गाय मैया की तरफ दौड़ी चली आती है। इसे देखना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है कि किस तरह गाय मैया से लगकर शांत खड़ी हो जाती है। यहाँ पर आया ये दुर्घटना से ग्रस्त बच्चा अपने सभी पाँव को गंवा चुका है। आप यहां पर काम करने वाले इन 135 से अधिक लोगों को अपने काम को काम की तरह नहीं बल्कि सेवा की तरह करते देख सकते हो।
अगर किसी भी बच्चे को ज़रा भी कष्ट पहुंच जाए तो मैया ज़रा भी समय नहीं लगाती खबर लेने में। इसलिए यहाँ पर हर एक बच्चा अपना स्वतंत्र जीवन जी रहा है, वो जैसे भी जीना चाहे। गली बच्चा पर गली भेजो, कौन कौन आ रहे हैं? मैया का मुस्कुराता हुआ चेहरा ऊर्जा की एक लहर छोड़ जाता है, जो यहाँ पर काम करने वाले हर एक व्यक्ति की थकान को मिटाने के लिए पर्याप्त है। मुझे इस बात का ज़रा भी दुख नहीं कि मैया से उतना नहीं मिल पाया जितनी आशा थी, क्योंकि मैया अधिकतर समय सेवा में ही लगी रहती है। लेकिन इस बात की खुशी है कि कुछ ही क्षण सही, लेकिन मैं मिल पाया। यहाँ से चलने वाली ये एम्बुलेंस हर दिन 15 से 20 कारों को लेकर आती है, वो भी मुफ्त में, जिसका खर्चा मैया उठाती है। दोस्तों, अगर तुम्हें ज़रा भी लगता है कि इस तरह के महान व्यक्ति की हमें ज़रूरत है, तो इनकी सहायता में बढ़ चढ़कर भाग लो। अगर आप धन से सहायता नहीं कर सकते तो अपना श्रम दे सकते हो, या फिर जो भी तुम कर सको वह कर सकते हो, क्योंकि यह तुम्हें जीवन के उस आनंद और शांति की अनुभूति करा सकती है जिसकी खोज में तुम शायद अभी चल रहे हो। अगर आपको इनकी सहायता करनी है और आपके पास समय नहीं है, तो इनकी बैंक डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आपकी जो श्रद्धा बन पड़े आप वह कर सकते हैं। इस वीडियो को इसलिए सभी के साथ साझा कीजिए, जिससे कि आपके जैसे लाखों करोड़ों लोगों को पता चले जो भी इन्हें नहीं जानते, जिससे कि मैया का भार भी थोड़ा कम हो पाए। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, अपने घर से फेंके जाने वाले कचरे में से हरे खाने वाले सामान को अलग करके डालिए, जिससे कि वह लाखों करोड़ों गाय प्लास्टिक ना खाएं, जिन्हें वह अपनी तीव्र भूख के चलते खा जाती हैं और अपने जीवन से हाथ धो बैठती हैं मात्र हमारी छोटी सी लापरवाही के कारण। मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि भविष्य में सही मैया से ज़रूर भेंट हो। इस प्रयास का कारण इनसे बहने वाली ऊर्जा है, जो बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की जीवन की दिशा और दशा बदलने में सहायक होगी। और आप भी अपने आसपास के बेजुबानों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।